भोजपुरी की नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मनोज तिवारी लाएंगे सलमान खान को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। जी हाँ, अभिनेता सुपरस्टार मनोज तिवारी की यही कोशिश रहती है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री को जितना हो सके उतना बेहतरीन बना सके। हाल ही में अवार्ड फंक्शन में गोविंदा जी जैसे महान हस्ती शामिल हुए, जो कि लंदन में रखा गया। भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो हो रही है, उसका कोई जवाब नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारे पवन सिंह इंटरनेशनल लेवल पर जाने लगे हैं। उसी बीच दिनेश लाल यादव, निरव्वा और खेसारी लाल यादव भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। आप हमारी फिल्म में यानी भोजपुरी इंडस्ट्री की में भी विदेशों में बनाई जा रही। हाल ही में पवन की फिल्म माते सलाम की शूटिंग लंदन में हुई। निरव्वा चला लंदन की शूटिंग भी लंदन में होगी। निरव्वा चला अमेरिका की शूटिंग भी अमेरिका में होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है, मनोज तिवारी भी फुल कोशिश कर रहे हैं कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ कर सकूं। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को सबसे आगे कर सकूं। इस बीच खबर आ रही है सलमान खान भी नजर आएंगे भोजपुरी के फिल्मों में। जी हाँ, एक सीन के लिए नजर आ सकते हैं मनोज तिवारी कहने पे अभिनेता सलमान खान, क्योंकि मनोज तिवारी के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं सलमान खान, और सलमान खान जरूर मानेंगे जब मनोज तिवारी कहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है, किसके साथ आखिर नजर आएंगे, सुपरस्टार पवन के साथ या फिर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ। देखना बहुत मजेदार होगा मनोज तिवारी आखिर किसके साथ रिलीज करते हैं सलमान खान को। लेकिन ये तो तय है कि सलमान खान कभी ना कभी किसी न किसी फिल्म में जरूर नजर आएंगे, क्योंकि भोजपुरी फिल्म ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है सलमान खान को भोजपुरी फिल्म में देखने के लिए। अगर की जाए बॉलीवुड सितारों की, तो मनोज तिवारी अपने साथ अजय देवगन को ला चुके हैं, जो कि बॉलीवुड के सिंगम कहे जाते हैं। अमिताभ बच्चन जैसा बॉलीवुड का भगवान कहे जाने वाला भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुका है। रिंका चोपड़ा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, दो फिल्में सुपर डुपर हिट होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब देखना बहुत होगा कि बड़ी बड़ी हस्तियां और आ पाएंगी भोजपुरी में या फिर नहीं।